बस 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 वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं मैं इस चैनल पर नए नए वीडियो अपलोड करते रहता हूं। तो अभी हम फिलहाल जा रहे थे कुछ काम से, तो आपको दिखाते हैं क्या काम है अभी हमारा। और हमारे साथ हमारे बिट्टू भाई भी हैं और गन्नू भाई भी हैं, उनसे थोड़ी देर में आपसे मुलाकात कराने वाले हैं। तो अभी रात के 11:30 बज चुके थे और हम आ चुके थे मंगलपुर पास। आप देख सकते हैं ये मंगलपुर का व्यू है। गन्नू मंगलपुर का व्यू दिखाइए कैसा है रात का, कुछ ऐसा व्यू है। तो चलिए चलते हैं। वैसे यहाँ पे ना कुछ दिन पहले ही ना एक एक्सीडेंट हुआ था, वो काफी खतरनाक था, तो हमें सावधानी से चलना होगा क्योंकि अभी हाल फिलहाल यहाँ पे काफी एक्सीडेंट हो रहे थे। और जो रानी सर देख रहे हैं ना, रानी सर मोड़ पे भी अभी कुछ देर पहले ही, मतलब कल रानी सर मोड़ पे कल एक्सीडेंट हुआ था, वो भी स्पॉट डेड था। तो काफी खतरनाक अभी एक्सीडेंट हो रहे हैं इस रूट पे, तो काफी संभल के हमें गाड़ी चलाना पड़ेगा। तो चलिए आराम से आपको लेके चलते हैं वहीं पे और आपको दिखाते हैं कुछ नजारे, कुछ अच्छे पल जो आपको रात में ही देखने मिलेंगे, क्योंकि वो सब चीजें आपको दिन में देखने नहीं मिलती है। तो आपको लेके चलते हैं वहीं पे डायरेक्ट। देखो बीपर मार रहा, मरे है कहाँ पे जाने देते हैं इसे फिलहाल, क्योंकि लग रहा है काफी जल्दी है इसको, छटपटाई है। कौन सा गाड़ी है, टाटा खूब देखा ले यार पीछे से आधा से डीपर मारता है रे। अब हम मारे देवा देवा सही भाई, हटो पांच चौदह वाला डीपर मारता है हमारे कैमरा में। वो कपड़ा चाहते देखिए, ये कल एक्सीडेंट हुआ ही रहे कुछ आते पता नहीं क्या ससुरा के, आराम हो जाएगा आराम। तो आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं पंजाबी मोड़ और ये कुछ गाड़ियों का नजारा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। दिखाइए गन्नू ये का माल लेके जा रहा, छड़िया लेके जा रहा है, माल तो ये ट्रक तो छड़िया लेके जा रहा, वो मखुरा जा रहा का गड़िया में जलाएगा, अगर वही होगा तो खिंचाई हो जाएगा। बेटा मकुरा होगा तो बोले कर रतिया हम क्या कर रहे इधर, क्या बोला हम बोले बट नहीं ना हमें करिए हेलमेट लगा के उठे उठे इसे हमने गलत समझ लिया था। इधर मैंने पढ़ा एक भैया अमन भाई अंत समझ लिया था। नहीं नहीं ऐसा कोई, अरे तरम माई के मास्टर या फिर नौकरिया लगा के यहीं पर कल एक्सीडेंट हुआ था एक तो एकदम गड़िया बेटा पिछटा हो गया था, इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, क्या पता किसे मारा था। क्या यही गड़िया खड़ा देख, गड़िया खड़ा दिख रहा है अभी दिखा। वही गड़िया तो खड़ा है, मारा था पिस्टा हो गया था गाड़ी तो, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे। सावधानी से चलना चाहिए गाड़ी, सावधानी से नहीं चलेगा तो चिपा है चिपटा हो जाएगा बेटा, नेशनल हाईवे ही कोनो उपाय नहीं है बेटा। अभी कल परसों यहाँ रानी सन देख देख पंडित छोड़ेगा निशन जा, तो इसीलिए रात में थोड़ा सावधानी होकर गाड़ी चलाया था। यहाँ एक्सीडेंट हुआ था तो बेटा आदमी गिरा था, ठीक है मथा तो फट गया था, कल आए थे तो कल देखे थे स्पॉट डेट, हाँ कल की परसों हुआ था एक्सीडेंट, वो वाला देखे थे स्पॉट डेट कर गया था। तो बेटा उसका जो ब्लड निकला था ना वहाँ पे मट्टी उट्टी डाला लो तब जाके ठीक हुआ, अभी तो एकदम क्लीन हो गया होगा। यही पे एक्सीडेंट हुआ था एकदम यही पे, एक्सीडेंटल जोन है बेटा, देख वो मट्टी तो है ना यहाँ पे मट्टी दिखा ना उसी पे चढ़ा के हम आ रहे अभी हम लोग पार किए, अभी उसी को पार किया हम लोग। एक्सीडेंट हुआ था और ये रात का नजारा देखिए, ये रानी सागर पुल का नजारा है जो काफी अच्छा लग रहा है देखने में। ये भी टेलर है, वैसे काफी टेलर का डिमांड बढ़ गया है क्योंकि हम लोग या तो 14 चक्का देख रहे हैं या तो टेलर देख रहे हैं, और कुछ हमें देखने रास्ता में मिल नहीं रहा। तो हम आ चुके थे पेट्रोल पंप के पास, तो चलिए आपको चलते हैं वहीं पे, थोड़ा हमारी जो गाड़ियां थी उनमें फ्यूल भराना था तो फ्यूल भराते हैं उनमें। और अभी हमारे साथ ड्राइवर साहब हो सकते तो पीछे होंगे या पेट्रोल पंप पे होंगे, तो हमें वहाँ पे जाने में पता चल जाएगा। तो चलते हैं पेट्रोल पंप के पास और देखते हैं क्या माहौल है पेट्रोल पंप का। रात को पेट्रोल पंप आपको भूले भटके खाली मिलेंगे, खाली नहीं मिलेंगे यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ 1 2 3 4 4 5 गाड़ियाँ खड़ी है और हमारी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी है, तो चलिए इनको फ्यूल देते हैं। चलिए गन्नू, हमारे साथ हमारे बिट्टू और गन्नू आ चुके हैं, आप देख सकते हैं
बिट्टू का आपने पिछले वीडियो में शायद 2-3 पिछले वीडियो में देखा होगा, और गन्नू नहीं गन्नू अब जो ट्रक वाला वीडियो था ना उसमें आए थे, और अभी फिलहाल यहाँ पे आप आ रहे हैं। और आइए यहाँ पे अब गाड़ियों में फ्यूल भराते हैं। ये अभी एक ट्रेलर है जो अभी फ्यूल ले रहा है, देखते हैं कितना फ्यूल लेता है ये। ट्रेलर का टंकी उधर है तो अभी लग रहा है इसमें काफी टाइम लगेगा। अभी तो सिर्फ मात्र 3,000 का तेल गया है तो अभी काफी जाने वाला है तेल, इसमें टाइम लगने वाला है। इस पेट्रोल पंप को और बड़ा बनाया जा रहा है, अभी काम चल रहा है इस पे, तो आने वाला टाइम में ये भी पेट्रोल पंप काफी बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे वैसे डीजल लेंगे तो डीजल काफी अच्छा मिलता है यहाँ पे, अगर आप आके यहाँ लेते हैं तो। सारी जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं यहीं से रात को डीजल लेके यहाँ से निकलती हैं। आप देख सकते हैं ये सारी गाड़ियाँ ले रही हैं अभी डीजल। ये टाटा की 3923S मॉडल है, देख सकते हैं ये ट्रेलर है बेसिकली, और ये इसका फ्रंट का लुक है देख सकते हैं। देखते हैं बगल में कितना तेल हुआ है, और ये भीड़ लगना स्टार्ट हो चुका है। ये आपको रात में अगर आके देखेंगे तो ऐसा आपको पेट्रोल पंप में आमतौर पे देखने मिल जाएगा। आप जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है ना वो रात में ही ज्यादा चलती हैं, क्योंकि दिन में नो एंट्री रहता है इसीलिए वो रात में निकलती हैं, और इसीलिए उन्हें रात का किंग कहा जाता है। तो फिलहाल आप फ्यूल भराते हैं गाड़ियों में। यहाँ टंकी फुल होने वाला है हमारा, और हमारा फ्यूल अभी लगभग फुल होने ही वाला है, फुल हो चुका है। बस 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 कितना हो गया, 17,600 में हमारी गाड़ी फुल हो चुकी है। तो हमारा यहाँ पेमेंट कम्प्लीट हो चुका था और हम यहाँ से फिलहाल निकलते हैं घर की ओर। आपसे गाड़ी में बात होती है। इसलिए भगवान हम लोग नहीं करे, देंगे कुछ टाइम बाद हम लोग समझदार हो जाएंगे। जवानी अब खून है ना, इधर उधर जो लोचा करते फिरेगा इसलिए नहीं दे। कहीं थार हो रहा था तो बेटा इसमें से आराम से चढ़ा उड़ा के हम लोग पार हो जाते हैं। पार कर देता भी है, इतना तो ट्रेवलिंग करने का जरूरत नहीं है। रोड का भी बड़ा अप्रैल पूरा है ना। अब इतना दूर जाएंगे तो हम लोग का नहीं है बेटा, आसनसोल चल गई तब तो। हाँ तो दूर का तब और चल जाएगा आसनसोल। हाँ सच आगे से बढ़ा, मतलब की बोलना चाह रही है गुरु। और ये देखो हमारे आते ही सबके रास्ते साइड सब देखो यहाँ पे है खालसा होटल। यहाँ पे जितने भी गाड़ियाँ है ना सब खालसा होटल अभी ब्रेक लेके खा रही हैं। अब रात को यहाँ खाएंगी और खा के फिर निकलेंगी डायरेक्ट स्थान पे पहुँचेंगी अपना। गाड़ी जो चलती है पुल पे तो पुल पे काफी संभाल के चलना चाहिए, इसीलिए ज्यादातर पुल पे आपको लाइट देखने मिल जाएगी। और देखिए इस माधव जो गाली निकालता सर बेटा, ये मतलब थर्ड रो से डायरेक्ट फर्स्ट रो में आ रहा है, कैसा युवा पीढ़ी है। वीडियो में कॉपीराइट भी पढ़ना चाहिए, आदमी मशहूर नहीं होता ना फिर विदाउट कॉपीराइट। ये जब डिवाइडर नहीं था ना तो यहाँ पे काफी
काफी हद से ज्यादा एक्सीडेंट होते थे यहाँ पे। अब पुल बनी है ना, तो इसीलिए अब यहाँ से कोई पार उड़ नहीं होता, फिर भी कुछ कुछ लोग जो लोकल लोग होते हैं पार हो जाते हैं, तो आए दिन यहाँ पे भी एक्सीडेंट काफी देखने मिल जाते हैं। जाना तो नहीं आपको रोड के बगल में आपको देखने मिल जाएगी वो एक्सीडेंटल गाड़ियाँ, वो जो एक्सीडेंट देख रहे हैं ना, वो जो गाड़ी है उसी का कल या परसों एक्सीडेंट हुआ था, तो काफी खतरनाक हुआ था उसका एक्सीडेंट। स्पॉट डेट कुछ ही नहीं हुआ, मतलब कोई उसमें कोई मरा वरा नहीं, बट नुकसान काफी हुआ गाड़ी का भी, और जो बंदा वहाँ जो ड्राइवर चला रहा था उसका भी काफी अच्छा खासा नुकसान हो गया था। देख सकते आगे और ये देख सकते हैं, ये से ही रात में होता है। नन्नू दिखाओ, हम ही नागिन बना रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो नागिन साफ बना रहे साफ। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जिन लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। आई होप चुपचाप सूझ जा भाई तेलो।